নরেন্দ্র মোদি ভোট প্রচার করছিল সারা দেশ জুড়ে, তখন বলছিল আমাকে 50 দিন সময় দিন, কালাধান নিয়ে আসবো, আমাকে সময় দিন, বছরে 2 কোটি চাকরি দেবো, আমাকে সময় দিন, 15 লক্ষ টাকা করে আমি সবার অ্যাকাউন্টে দিয়ে দেবো। আরে ভাই শোন না, শোন না, শোন, তোদের হয়েই বলছি, আরে তোদের হয়েই বলছি ভাই, শোন না, একটু শোন, একটু শোন, আমি বলি, আমি বলি 7 বছরে তো এরা কিছু করতে পারিনি, ঠিক আছে, আর যেমন ঝাড় তার তেমন সব বাঁধ, এখানেও মিথ্যা কথা, এখানেও মিথ্যা কথা, ইস্তাহারেও মিথ্যা কথা, এরা পারবে না, যেমন ঝাড় কিনলি তেমন বাঁধ। पश्चिम बंगाल में जो निर्वाचन होने जा रही है या सारा भारतवर्ष में जिस जिस जगह पर निर्वाचन हुई है, एक तरफ हमारे दाहिने तरफ जो है वीर पुरुष सब खड़े हैं जिनका मोदी जी उनका लीडर है, और एक तरफ इधर खड़े हैं जो जिनका दीदी है, अगर दी हटा के मुंह हटा के सबको कर दे तो एक ही हो जाता है, मतलब एक सिक्का के दो पहलू हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि 10 वर्षों के मियाद में मौका दिया भारतवर्ष के लोग ने मोदी जी को, 10 वर्ष को, 10 वर्ष तक जो है दीदी को भी मौका दिया है पश्चिम बंगाल के वासियों ने। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि दोनों ही जो है हम किसी से कम नहीं है, मतलब झूठ बोले कौवा काटे, जितना झूठ की खेती करके और ये झूठ की खेती करके और ये शासक बने हुए हैं और ये शासन कर रहे हैं, एक पश्चिम बंगाल में, दूसरा पूरा भारतवर्ष में। मैं कहना चाहता हूं इन सैनिकों से, मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी से ये पूछे कि भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कही जाती थी, आज वो कहते हैं बंगाल में आके हम सोना बांग्ला को ने वो, मैं कहता हूं पहले भारतवर्ष को सोने की चिड़िया बनाए हैं, 10 वर्षों की ये हम आपको कहना चाहते हैं नहीं बना पाए। चलिए, मेरा नाम सुदीप देव है, मैं यहीं का रहने वाला लड़का हूं, लेकिन आपने उन भाई साहब का नाम और किस पार्टी से बिलोंग करते हैं ये बोले नहीं है, कांग्रेस से हैं, कांग्रेस से। आपने ध्यान नहीं दिया, जब हल्ला मचाओगे तो कहां से दोगे। इसलिए मैं और एक बार आपसे क्वेश्चन किया हूं, वही कांग्रेस वाला पूछ रहा है कि ये 10 साल में मोदी जी क्या किया, अभी हट के कहां आए, आप बंगाल में जानते हैं सीपीएम का हाथ पकड़े हैं, वो सीपीएम क्या है जानते हैं, जो सीपीएम करता था उनका हाथ काट दिया गया था, कांग्रेसियों का वोट दिया था, इसीलिए मुंह में मछली घुसा दिया गया था, ठीक है, यही वाला, ये वाले भी हाथ हाथ कर रहा है। आई विल गिव यू चांस, ऑफकोर्स आई विल गिव यू चांस, ऑफकोर्स आई विल गिव यू चांस, एक मिनट बात सुनो मेरे बहादुर, मेरे बहादुर सुनो, बस शांत, बस सुनो, सुनो, किसी का नाम बार बार नहीं लेना चाहिए, गलत बात है ये, किसी के नाम को गलत कहना बिल्कुल गलत है। हाँ मुझे मालूम है, बड़ी अकल है तुम्हारे अंदर, बहुत मुझे मालूम है, अकलमंद बनो जी, मैं आपको चांस देता हूँ, नो डिबेट इज ओपन, नो डिबेट इज ओपन, सारे लोगों के लिए, पहला ऑफकोर्स, हाँ ऑफकोर्स, नो डिबेट इज ओपन, ऑफकोर्स मैं आपको दे रहा हूँ, प्रजातंत्र देश है, उनका अधिकार है, कुछ भी बोल सकते हैं, ये कांग्रेस दिया है, मोदी जी ने नहीं दिया, कांग्रेस दिया, मजहब नहीं, मजहब की बात नहीं किया है, आप याद रखिएगा, आज जो आप जुबान है, आपकी जो जुबान निकली है, यही सेक्युलरिज्म है, और हम इसकी रक्षा करेंगे, जब तक भारतवर्ष रहेगा तब तक कांग्रेस रक्षा करेगी, मजहब के नाम पर हिंदुस्तान को बेचने नहीं देंगे, जब तक। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, राइट, एक मिनट, ये नहीं, मैं बंद कर दूं क्या, प्रोग्राम बंद कर दूं क्या जी, नहीं दादा, ना ना दादा, प्लीज 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 जी, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बंगाल है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बंगाल में जो विभाजन की राजनीति वामपंथी करते आए ममता बनर्जी कर रही है, ये आनंद मार्गी हत्या के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं, मरीन झापी में हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये आज ये हमें सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ा रहे हैं, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती है, जहाँ बलिदान हुए मुखर्जी, जहाँ बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जहाँ जन्म लिए मुखर्जी वो बंगाल भी हमारा है, वो बंगाल भी हमारा है, ये पट्टे छोड़ दे।